हेलो गुड मॉर्निंग क्लास, मैं हूँ श्रद्धा गुप्ता। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर दैट इज द शूमेकर एंड द एलिप्स। ठीक है, नाउ इस चैप्टर में एक शूमेकर की स्टोरी बताई गई है और ये जो स्टोरी है थोड़ी बहुत मिलती जुलती है वुड कटर वाली जो स्टोरी आप लोग ने सुनी होगी, जिसमें एक वुड कटर रहता है, बहुत ही गरीब रहता है और उसकी जो एक्स है मीन्स जो कुल्हाड़ी है वो क्या होती है, पानी में गिर जाती है और फिर एक जादू होता है और उसको लाइक उसकी हथौड़ी वापस मिल जाती है। ठीक है, उस तरीके से ये भी कहानी है एक शूमेकर की। ओके, नाउ लेट्स टू प्रोसीड टू अवर चैप्टर। ओके, वंस देयर वॉज अ वेरी पुअर शूमेकर। शूमेकर मीन्स जूते बनाने वाला। ओके, वहाँ पर क्या था, एक शूमेकर रहता था। ही एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ लिटिल हाउस ऑन द ईस्ट ऑफ अ वुड। ईस्ट मतलब किनारा नदी का, ठीक है, वुड मतलब फॉरेस्ट। ठीक है, तो जो शूमेकर था, तो शूमेकर और उसकी वाइफ का एक नदी के किनारे के पास रहते थे। देयर वेयर नॉट मैनी पीपल हु वुड बाय शूज फ्रॉम द शूमेकर। मीन्स जहाँ वो रहते थे उसके आजू बाजू में इतने लोग नहीं, इतने सारे लोग नहीं रहते थे कि वहाँ के लोग उनसे शू खरीद सके। ईच डे स्टोर ऑफ लेदर बिकम लेस एंड लेस। मीन्स जो उनके पास स्टोर था लेदर का वो दिन ब दिन क्या होते जा रहा था, कम होते जा रहा था। ही डिड नॉट हैव मनी टू बाय मोर लेदर। मीन्स और अब उनके पास में और पैसे नहीं थे कि वो लेदर और खरीद सके। डे बाय डे द शू मेकर एंड हिज वाइफ ग्रो पुअर। मीन्स दिन ब दिन क्या होते जा रहे थे, शू मेकर और उसकी वाइफ जो थी वो ग्रो पुअर मीन्स गरीब होते जा रहे थे। एट लास्ट देयर वॉज लेदर फॉर ओनली वन पेयर ऑफ शूज। मतलब एक दिन ऐसा आया कि उनके पास में सिर्फ एक ही पेयर का शूज बनाने के लिए ही लेदर बचा था। द शू मेकर कट आउट द लास्ट पेयर ऑफ शूज। मीन्स जो उतना लेदर का टुकड़ा बचा था उसको उन्होंने क्या किया, कट किया। एंड ही सेड टू हिज वाइफ टुमारो आई विल सीव देम। मीन्स वो पेयर कट करने के बाद में वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैं इसे कल सी लूँगा। इतना समझ में आया। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट द शूमेकर फेस्ड। मीन्स क्या क्या प्रॉब्लम शूमेकर ने वहाँ फेस्ड की। ठीक है, तो शूमेकर ने कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस की, जैसे कि सबसे पहले दिया हुआ है कि देयर वेयर नॉट मैनी पीपल हु वुड बी बाय शूज फ्रॉम द शूमेकर। मतलब वहाँ पे इतने सारे लोग नहीं थे और इतने सारे लोग नहीं होने के कारण वहाँ पे उनके शूज़ कोई भी नहीं खरीदता और वो क्या होते जा रहे थे, दिन ब दिन गरीब होते जा रहे थे। नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट मॉर्निंग द शूमेकर गॉट अप एंड वेंट इनटू हिज शॉप। गॉट अप मीन्स सो के उठना, वेंट मीन्स मतलब जाना। अगले दिन सुबह शूमेकर सोकर उठा और वह कहाँ गया, अपनी शॉप में गया। ही वॉज सरप्राइज्ड एट वॉट ही सॉ। सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित हो जाना। वो क्या हुआ, सरप्राइज हो गया। उसने ऐसा क्या देखा और वो सरप्राइज हो गया। उसने देखा कि देयर ही सॉ पेयर ऑफ शू। उसने क्या देखा, जो शूज़ जो उसने क्या बोलते कल प्रीवियस डे यस्टरडे उसने पेयर ऑफ शू की कट करके रखी थी वो क्या हो गई, सिली हुई रखी है। ही हैड नेवर सीन अ बेटर पेयर ऑफ शूज़। और उसने इसके पहले इतनी परफेक्ट तरीके से सिली हुई शूज़ की पेयर नहीं देखी थी। द शूज़ वेयर परफेक्ट, मतलब जो शूज़ थे वो एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहे थे। एंड द स्टिचेस वेयर फाइन मिस, और जो उसकी जो सिलाई की गई थी वो भी बहुत अच्छी थी। दे वेयर सो वेरी वेल मेड दैट दे वेयर सोल्ड एट वंस। मीन्स वो इतने अच्छे तरीके से बने हुए थे कि वो एक ही बार में पसंद करके बेचने योग्य थे। ओके, जो उसका जो शूज़ रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, उसके सोल्ड एट वंस मीन्स वो बिक जाते हैं एक ही बार में। नाउ देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डू यू थिंक कैप्ट द शूज़ इन द शॉप। मीन्स उस शूज़ को शॉप में कौन रख के गया। नाउ हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। द शूमेकर वेंट टू द मार्केट
विद द मनी, मीन्स वो जूते को जो सोल्ड करता है उससे क्या मिलते हैं, उसको पैसे मिलते हैं, और वही पैसे लेकर वो क्या जाता है, मार्केट जाता है। ही बॉट लेदर फॉर टू पेयर्स ऑफ शूज़। बॉट मीन्स खरीदना, वो क्या खरीदता है वहाँ पे, टू पेयर्स ऑफ शूज़ के लिए क्या खरीदता है, लेदर खरीदता है। द शू मेकर कट आउट द टू पेयर्स ऑफ शूज एंड सेड टू हिज वाइफ, टुमारो आई विल सी यू देम। मीन्स वो जो पेयर खरीदता है उसको क्या करता है, वो टू पेयर्स, मतलब द शू मेकर कट आउट द टू पेयर्स ऑफ शूज़, मतलब उस जो लेदर खरीद के लाया रहता है उससे शूज़ की टू पेयर्स को कट करता है और अपने वाइफ को कहता है कि कल मैं इसे सिलूँगा। नेक्स्ट डे व्हेन द शू मेकर वेंट इन टू हिज शॉप, ही वॉज अगेन सरप्राइज टू सी टू पेयर्स ऑफ शूज़ ब्यूटिफुली फिनिश्ड। मीन्स नेक्स्ट डे वो फिर सो के उठता है और अपनी शॉप जाता है, तो वो फिर से वॉज अगेन मीन्स वो फिर से सरप्राइज हो जाता है देखकर कि जो पेयर्स ऑफ शूज़ उसने काट के रखी थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सिल के रखी हुई है। द शूज़ वेयर वेरी वेल मेड विथ वेरी फाइन स्टिचेस। मीन्स वो जो शूज़ है जो उसने कट कर पेयर ऑफ शूज़ जो कट करके रखा था वो क्या हुई है, सिली हुई है, बहुत ही फाइन तरीके से सिली हुई है। ही वॉज सरप्राइज्ड, ठीक है, और यह सब देख के वो क्या होता है, आश्चर्यचकित होता है। ही शोड, शोड मीन्स दिखाया, उसने क्या किया, ही शोड देम टू हिज वाइफ हु वॉज ऑल्सो सरप्राइज टू सी सच फाइन पेयर ऑफ शूज़। मतलब वो क्या करता है, उसने जो पेयर ऑफ शूज़ थी वो अपने वाइफ को दिखाया और यह सब देखकर उसकी वाइफ भी क्या हो गई, सरप्राइज्ड हो गई। शी सेड दिस शूज़ आर वेरी फाइन एंड द स्टिचेस आर एक्सीलेंट, दे विल ब्रिंग गुड मनी। मीन्स उसकी वाइफ क्या कहती है, ये जो शूज़ है वेरी फाइन, इस बहुत अच्छे दिख रहे हैं और जो इसकी सिलाई हुई है वो एक्सीलेंट है, और हम अगर हम इसे बेचेंगे तो हमें क्या होगा, ब्रिंग गुड मनी, मतलब हमें अच्छे पैसे मिलेंगे इसे बेचने पर। ओके, द शू मेकर वेंट टू द मार्केट एट वंस एंड सोल्ड द टू पेयर्स ऑफ शूज फॉर अ गुड प्राइस। मीन्स वो शू मेकर क्या करता है, फिर से मार्केट जाता है और उस पेयर ऑफ शू को क्या करता है, सोल्ड कर देता है गुड प्राइस में, मतलब अच्छे रेट में। विद द मनी ही बॉट लेदर ऑफ फोर पेयर्स ऑफ शूज़। मीन्स वो जो दो पेयर ऑफ शूज़ बेचता है उससे जो पैसे मिलते हैं उससे क्या खरीदता है, वो चार पेयर के लिए जो लेदर लगता है उसने वो उसको ख़रीदा। ही कट आउट द लेदर एंड ही सेड टू हिज वाइफ, टुमारो आई विल सी यू देम। वो क्या करता है, फिर से उसको कट करके रख देता है पेयर ऑफ शूज़ को और अपनी वाइफ से कहता है कि मैं दूसरे दिन इसे सी लूँगा। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। द शू मेकर गॉट अप द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड वेंट टू हिज शॉप। मीन्स शू मेकर अगले दिन फिर सुबह उठा और कहाँ गया, अपनी शॉप में। वॉट डिड ही फाइंड, उसे क्या मिला। वंस अगेन ही फाउंड दैट हिज वर्क हैड ऑलरेडी बीन डन। मीन्स उसको क्या मिला कि उसने जो शू पेयर ऑफ शू काट के रखा था फोर शूज के, वो उसे मीन्स उसका जो काम था वो हैड ऑलरेडी बीन डन। मीन्स वो काम जो था उसका ऑलरेडी हो चुका था। फोर पेयर ऑफ ब्यूटिफुल शूज़ वेयर लाइंग रेडीमेड ऑन द टेबल। जो फोर पेयर ऑफ मीन्स जो फोर जूतों के जो जोड़े थे वो ऑलरेडी रेडीमेड मीन्स टेबल में रखे हुए थे सिले हुए। दे वेयर परफेक्टली मेड विथ वेरी फाइन स्टिचेस एंड वेयर सोल्ड वेरी क्विकली इन द मार्केट। मीन्स वो इतने परफेक्ट बने थे और जो उनकी स्टिचेस थे वेरी फाइन थी और दे वेयर सोल्ड वेरी, और जो जूते फोर पेयर ऑफ शूज़ थे वो बहुत ही जल्दी मार्केट में बिक जाते हैं। ओके, नाउ सी नेक्स्ट पैराग्राफ। एवरी डे द शू मेकर वुड गेट अप एंड गो इन टू हिज शॉप। मीन्स अभी रोज की तरह शू मेकर रोज सबेरे उठता है और अपनी शॉप में चला जाता है। देयर ही वुड फाइंड हिज वर्क ऑलरेडी डन फॉर हिम। और वो जैसे ही शॉप में पहुंचता है तो उसे क्या दिखाई देता है कि जो उसने शू पेयर ऑफ शू कट करके रखे थे वो ऑलरेडी सिल के रखे हुए, मीन्स जो उसका जो काम था वो ऑलरेडी हो चुका रहता है। द शूज़ वे आर ऑलवेज वेरी नाइसली मेड। मीन्स जो शूज़ है
हर बार की तरह बहुत अच्छे तरीके से सिले होते हैं, बने होते हैं। द शू मेकर बिकम वेरी फेमस। इस तरीके से क्या हुआ, वो शू मेकर क्या हुआ, फेमस हो गया। सून एवरीबडी वॉन्टेड टू बाय शूज फ्रॉम हिम, मीन्स बहुत ही जल्दी क्या हुआ, सभी के मीन्स आसपास जो लोग रहते थे वो लोग क्या थे, वॉन्टेड टू बाय शूज फ्रॉम हिम, मीन्स उसी के पास शूज़ खरीदने के लिए आते थे। हिज शूज़ वेयर सो वेरी वेल मेड, मीन्स जो उसके शूज़ थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से बने हुए होते थे, दैट इवन द क्वीन ऑफ द कंट्री वोर दैम, मीन्स इवन जो क्वीन उस जगह की जो रानी थी वो तक भी उससे वहाँ से शूज़ लेने आती थी। शी वॉज वेरी प्लेस्ड विद द शूज़, वो उस शूज़ को पहनकर वेरी बहुत ही अच्छा फील करती थी। शी कॉल्ड द शू मेकर एंड गिव हिम 100 gold pieces, मीन्स वो रानी क्या करती है, क्वीन उसे मतलब उस शू मेकर को बुलाती है और उसे क्या देती है, 100 gold pieces, मीन्स जो गोल्ड के सिक्के हैं वो उसे देती है। कितने देती है, 100। नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। द शू मेकर ग्रीव वेरी रिच, मीन्स वो जो शू मेकर था वो क्या था, धीरे धीरे अमीर होते जा रहा था। इसके पहले दिया हुआ था ग्रीव वेरी पुअर, पुअर मीन्स गरीब। नाउ अब वो शू मेकर क्या हो गया, ग्रीव वेरी रिच, मीन्स अब वो अमीर होते जा रहा था। वन डे ही एंड हिज वाइफ मेड अप देयर माइंड्स टू फाइंड आउट हु मेड द शूज, मीन्स एक दिन क्या होता है कि शू मेकर और उसके वाइफ के दिमाग में आता है कि हमारे ये शूज़ है वो कौन बनाता है। दे सेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से कहते हैं, वी मस्ट फाइंड आउट हु मेक्स द शूज़, हमें पता करना चाहिए कि ये शूज़ कौन बनाता है। सो व्हेन नाइट केम, मीन्स जैसे ही रात होती है, दे वेंट इनटू द शॉप, मीन्स वो शॉप में जाते हैं। देयर दे हाइड देमसेल्व्स बिहाइंड द कर्टन्स, हाइड मतलब छुपाना, देमसेल्व्स मतलब खुद को, बिहाइंड मतलब पीछे। वो क्या करते हैं, अपने आप को छुपाते हैं कर्टन्स के पीछे, ओके। फ्रॉम देयर दे कुड वॉच द बेंच ऑन विच द लेदर फॉर शूज वॉज कैप्ट, मीन्स वो क्या करते रहते, वॉच करते रहते हैं, किसको वॉच करते हैं, जो पेयर ऑफ शूज उन्होंने कट करके बेंच के ऊपर रखे हैं उसको। पैराग्राफ में दे वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, नथिंग हैपेंड, मीन्स वो बहुत देर तक देखते रहते हैं बट वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। दे गॉट वेरी टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं वेट कर करके कि कुछ होगा करके, बट वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होता है। जस्ट देन द क्लॉक स्ट्रक 12, मीन्स वो टायर्ड होने के बाद में बैठे रहते वहीं पे, तो फिर वो जैसे ही उन्हें एक आवाज़ आती है काहे कि क्लॉक स्ट्रक होने की, जैसे ही वहाँ पे 12 बजते हैं तो क्लॉक में आवाज़ आता है ना, ऐसे घंटी हिलती है वैसी आवाज़ आती है। वॉट डू यू थिंक हैपन नेक्स्ट, आप क्या सोचते हो कि नेक्स्ट क्या हुआ होगा। सी देखते हैं कि वहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, टू लिटिल्स एल्स जम्प्ड इनटू द शॉप फ्रॉम द विंडो, एल्स मतलब जैसे परियाँ होती है उसी तरह लड़कों के लिए बौने कहा जाता है, एल्स मतलब बौने जो होते हैं, दो कम हाइट वाले लड़के होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, जम्प्ड इनटू द शॉप, मीन्स वो शॉप के अंदर आते कहाँ से, विंडो से। द एल्फ्स वोर पॉइंटेड कैप्स एंड द वोर ओनली लेग्स, वो क्या पहने हुए होते हैं, पॉइंटेड कैप होती है, पिक्चर्स में देखिए बच्चों कि वहाँ एक कैप हो, पॉइंटेड कैप्स होती है, और दे वोर, वोर मतलब पहनी थी, मतलब ये वियर का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। उन्होंने क्या पहना था, रैग्स मतलब फटे पुराने ऐसे चिथड़े टाइप के जो कपड़े होते हैं वो पहने हुए थे। दे वेयर डांसिंग एंड स्कीपिंग अप टू द टेबल, मीन्स वो क्या कर रहे थे, डांस कर रहे थे और अपने आप को टेबल के पीछे छुपा रहे थे। विथ अ होप एंड स्कीप दे जम्प्ड ऑन द टेबल, मीन्स जो एल्व्स थे वो जंप करते हुए वो क्या हुए, टेबल के पास पहुँचे। द एल्व्स सेट क्रॉस लेग्ड एंड टुक अप द लेदर
लेफ्ट देयर बाय द शू मेकर। वो लोग टेबल के पास क्या कर जाकर क्या करते हैं, लेग मतलब अपने दोनों पैर फैलाकर बैठ जाते हैं, और जो शू मेकर ने कटिंग करके पेयर ऑफ शूज़ छोड़े रखे रहते हैं उसे वो क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, दे बिगेन टू वर्क मीन्स वो अपना काम करने लगते हैं। देयर नीडल्स फ्यू इन एंड आउट ऑफ द लेदर मीन्स जो उनकी सुइयाँ थी वो फट फट उस लेदर पे चलने लगी थी, फट फट अंदर बाहर होने लगी थी। देयर लिटिल हैमर्स वेंट रैप अ टैप ऑन द लेदर मीन्स जो उनके हैमर से मतलब जो हथौड़ी थी उनकी वो फट फट उस लेदर पे पड़ रही थी और ऐसे रैप अ टैप वॉइस आ रही थी ऑन द लेदर मीन्स वो लेदर को मार मार के फट फट बना रहे थे। द एल्स वर्क वेरी फास्ट मीन्स वो लोग वर्क कर रहे थे पेयर ऑफ शूज स्टिचेस करने का, बहुत ही फास्ट हुआ था। ऑलमोस्ट इन नो टाइम द वर्क वॉज कम्प्लीट मीन्स उसको उनको कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा और जूते वो फट से बनकर तैयार हो गए थे। नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। देन द टू एल्व्स स्टार्टेड डांसिंग मीन्स वो जो टू एल्व्स थे वो क्या करें, जैसे ही उनका काम कंप्लीट हुआ और वो क्या करने लगे, डांस करने लगे। दे जंप अप एंड डाउन मीन्स वो लोग जंप करने लगे ऊपर और नीचे की ओर। दे रेस्ट इन एंड आउट एंड अराउंड द शूज मीन्स वो क्या करने लगे, दौड़ने लगे अंदर बाहर और शूज के गोल गोल घूम रहे थे। बिफोर द शू मेकर एंड हिज वाइफ हैड टाइम टू थिंक दे वेयर गॉन मीन्स शू मेकर और उसकी वाइफ को सोचने का मौका ही नहीं मिलता, जैसे ही वो सोचने लगते हैं और वो क्या हो जाते हैं, जो एल्स थे वो क्या हो जाते हैं, दे वेयर गॉन, वो वहाँ से भाग जाते हैं। नाउ नेक्स्ट मॉर्निंग द हस्बैंड एंड वाइफ मेड अप देयर माइंड्स टू डू समथिंग फॉर लिटिल एल्स मीन्स दूसरे दिन द शू मेकर और उसकी वाइफ सोचते हैं कि हमें कुछ तो भी उन लिटिल एल्स के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। द शू मेकर सेड टू हिज वाइफ मीन्स शू मेकर अपनी वाइफ से कहता है, वॉट कैन वी डू फॉर द नाइस लिटिल एल्स मीन्स हम ऐसा क्या करें वो जो छोटे छोटे लिटिल एल्स के लिए। हिज वाइफ सेड मतलब उसकी वाइफ कहती है, द एल्स डिड नॉट हैव गुड क्लॉथ्स मतलब मैंने जैसे बताया था कि वो जो एल्स थे उन्होंने फटे फटे कपड़े पहने थे, तो उनकी वाइफ कहती है कि उन्होंने अच्छे क्लॉथ्स नहीं पहने थे। दे वर ओनली रैग्स मतलब ऐसे चिंदी बोलते हैं ना, चिंदी मीन्स फटे फटे कपड़े पहने थे उन्होंने। आई शैल मेक दैम अ लिटिल कोट्स एंड ट्राउज़र टू वियर मीन्स हम उनके लिए क्या बनाते हैं, एक कोट बनाते हैं और ट्राउज़र बनाते हैं। ठीक है, दैट विल बी वेरी नाइस मतलब ये बहुत ही अच्छा रहेगा। सेड द शू मेकर मीन्स शू मेकर कहता है कि बहुत अच्छा रहेगा। आई विल मेक टीनी शूज़ मतलब शू मेकर क्या कहता है कि मैं उन लोग के लिए क्या बनाऊँगा, एक छोटे शूज़ बनाऊँगे फॉर द गुड एल्व्स मतलब जो बहुत अच्छे एल्व्स थे उन लोग के लिए मैं क्या बनाऊँगा, टीनी शूज़। देयर लिटिल फिट वेयर बेयर मीन्स बेयर मीन्स कि खाली पैर मीन्स उनके छोटे छोटे पैरों के लिए मैं क्या करूँगा, टीनी शूज़ बनाऊँगा। सो द शू मेकर एंड हिज वाइफ वर्क मीन्स जो शू मेकर और उसकी वाइफ है वो काम पे लग जाते हैं। ठीक है, वैन द क्लॉथ्स एंड शूज़ वेयर रेडी दे वेयर पुट ऑन द टेबल मीन्स जैसे ही उनके कपड़े बन के और शूज़ बन के रेडी हो जाते हैं वो उसे क्या करते हैं, पुट ऑन द टेबल मीन्स टेबल के ऊपर रख देते हैं। द शू मेकर एंड हिज वाइफ अगेन हाइड बिहाइंड द कर्टन्स मीन्स वो क्या होते हैं, फिर से कर्टन के पीछे अपने आप को छुपा लेते हैं और छुप के बैठे रहते हैं। दे वेटेड साइलेंटली मतलब वो एल्स का साइलेंटली वेट करते हैं। वंस अगेन व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 12 मीन्स जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, द एल्स जंप इनटू द शॉप फ्रॉम द विंडो मीन्स जो एल्स होते हैं वो विंडो के थ्रू शॉप के अंदर आते हैं। दे डांस एंड जंप ऑन द टेबल टू डू देयर वर्क मीन्स वो नाचते हुए जंप करते हुए टेबल के पास आते हैं और फिर वो अपना काम करने लगते हैं। दे सॉ लिटिल कोट ट्राउज़र एंड नीट लिटिल शूज़
लेफ्ट फॉर देम बाय द शूमेकर एंड हिज वाइफ। मीन्स वो वहाँ क्या देखते हैं कि टेबल के ऊपर कोट, ट्राउज़र और एक साफ सुथरे शूज़ वहाँ पे रखे हैं, साफ सुथरे छोटे शूज़ रखे हैं। किसके लिए? एल्फ्स के लिए। और उन्हें कौन रखता है? शूमेकर और उसकी वाइफ वहाँ रख के वो पर्दे के पीछे छुप जाते हैं। द एल्फ्स वी आर वेरी हैप्पी। मीन्स वो लोग ये सब देख के क्या होते हैं, वो बहुत ही खुश होते हैं। दे क्लैप्ड एंड लाफ विद जॉय। मीन्स वो क्या करते हैं, तालियाँ बजाते हैं। क्लैप मीन्स लव, ताली बजाना, और हंसते मतलब ताली बजाते हुए हंसते हैं। वॉट डू यू थिंक द एल्फ्स डिड नेक्स्ट? मीन्स अब एल्फ्स लोग क्या करते हैं नेक्स्ट? दे पुट ऑन देयर लिटिल क्लॉथ्स एंड स्कीपिंग एंड डांसिंग वेन आउट ऑफ द विंडो। वो क्या करते हैं, अपने क्लॉथ्स और स्कीपिंग एंड डांसिंग मीन्स वो क्लॉथ पहनकर और अपने पुराने क्लॉथ छोड़कर डांस करते और विंडो से बाहर चले जाते हैं। द लिटिल एल्व्स नेवर कम बैक अगेन। मतलब वो जो लिटिल एल्व्स हुए वो दोबारा रिटर्न नहीं आते हैं। बट द शू मेकर एंड हिज वाइफ ऑलवेज हैड गुड लक। मीन्स बट शू मेकर और उसकी वाइफ के पास क्या है, हमेशा गुड लक था। मीन्स कि जो एल्व्स की गुड लक थे वो हमेशा शू मेकर और उसके वाइफ के साथ थे। और ठीक है, दे ग्रीव रिचर एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। मीन्स वो दिन ब दिन क्या होने लगे, अमीर होने लगे। रिचर क्या है, रिच मतलब अमीर, और रिचर यह एक डिग्री का एक फॉर्म है। ठीक है, नाउ एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। मीन्स वो अमीर होते गए और वो जो जीवन है अपना वो बहुत अच्छे से बिताने लगे, बहुत खुशी खुशी वो लोग रहने लगे। ओके, नाउ देयर इज एंड ऑफ द ऑफ दिस चैप्टर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक इट।